नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कितना बड़ा कितना भारी में विभिन्न वस्तुओं के द्वारा उनकी लंबाई भार आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृहकार कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए बेहतर समझ विकसित करते हुए गृहकार की उपयोगिता को बताया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए ठोस आकृतियों के आयतन की समझ को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृहकार कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर पाठ की तालिका तैयार करनी होती है और पुनः अध्ययन तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश का भी पालन करना होता है, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावकों के सहयोग से घर में मौजूद विभिन्न घन और घनाभ की वस्तुओं की सूची तैयार करेंगे और उन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई को तालिका में लिखकर ले जाएंगे। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका भरकर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस प्रकार इस तालिका में छात्र का नाम, वस्तु का नाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और आयतन के बारे में लिखा होता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर देते हैं। इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और वे बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इस तालिका में अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। इस प्रकार अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उन्हें भरी हुई जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ कितना बड़ा कितना भारी का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य में प्रवेश से व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई भार आयतन की बड़ी और छोटी इकाइयों के संबंध स्थापित करते हैं और बड़ी और छोटी इकाइयों को तथा छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने की क्षमता और समझ विकसित करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा भाषा की बारीकियों को ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं और सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और उन्हें समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ कितना बड़ा कितना भारी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभकारी है ये, और इस प्रकार इस नवाचार से छात्र गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य को भी समझते हैं। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।